नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के घटक दलों की ओर से अब अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में भेजने की तैयारी शुरू है और ऐसे में आज जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेज दिया है। तो वहीं आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट्स को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई लोगों के नामों पर मुहर लगाए हैं और 30 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में भेजा है। और इससे पहले आपको बता दें कि महागठबंधन की घटक दल भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कल ही कर दिया था और आज आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगा दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 30 आरजेडी कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगाया है और उन्हें अब चुनावी मैदान में भेज दिया और कह दिया है कि जाइए, चुनाव लड़िए, जीत कराइए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है। कई लोगों का टिकट भी कटा और इस वजह से नाराजगी भी साफ देखने को मिला, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार में जिन 30 लोगों के नामों पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगाया है, सिंबल देकर जिन्हें चुनावी मैदान में भेजा है, वो लोग आखिरकार कौन है। हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाराचट्टी से समता देवी को टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने। बेलागंज से सुरेंद्र यादव पर तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है। वहीं बात बोधगया की करें तो सर्वजीत कुमार को आरजेडी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा सीट से राम विशुन सिंह लोहिया को एक बार फिर से आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। 2015 में राम विशुन सिंह लोहिया चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे थे और राम विशुन सिंह लोहिया के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी कुछ है राम विशुन सिंह लोहिया ने लालू यादव के लिए किया है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं नोखा की। नोखा विधानसभा सीट से अनीता देवी को टिकट मिला है। जमुई से विजय प्रकाश को आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं बेलहर से रामदेव यादव को टिकट दिया है। झाझा विधानसभा सीट से राजेंद्र यादव के नाम पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगाकर चुनावी मैदान में भेज दिया है। वहीं मखदुमपुर से सूबेदार दास को टिकट मिला है, टिकट कंफर्म हो गया है। चकाई विधानसभा सीट से सावित्री देवी के नाम पर मुहर लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। वहीं भोजपुर के शाहपुर विधानसभा सीट से राहुल तिवारी के नाम पर मुहर लगाया है। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, शाहपुर से 2015 में भी चुनाव जीते थे। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है, भरोसा जताया है राहुल तिवारी पर। वहीं बात करें अगर जहानाबाद की तो जहानाबाद से सुदय यादव का टिकट कंफर्म हुआ है। वहीं शेखपुरा से विजय सम्राट को टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने। नबीनगर से डब्लू सिंह को और ओबरा से ऋषि सिंह को चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने उतार दिया है। सुल्तानगंज से टुनटुन शाह का टिकट कंफर्म हो गया है और वहीं मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया है। अनंत सिंह 2015 के चुनाव में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं अनंत सिंह के बारे में बात करें तो अनंत सिंह का धाक काफ़ी अधिक है, 4 बार से लगातार वे विधायक हैं और ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है इस बार पहली बार और आरजेडी के टिकट से अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं। अनंत सिंह को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी से लड़ेंगे, तब अनंत सिंह ने कोर्ट में पेशी के दौरान भी कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अब अनंत सिंह का टिकट भी कन्फर्म हो गया है। आगे चैनपुर विधानसभा सीट से भोला यादव का टिकट कंफर्म हो गया है और नवादा से विभा देवी को टिकट मिला है। देखिए विभा देवी की जब चर्चा हम करते हैं तो आपको आरजेडी के साथ विरोध भी दिखेगा क्योंकि राजवल्लभ यादव के परिवार से आती हैं विभा देवी, राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या रेपिस्टों को भी, आरोपियों को भी तेजस्वी यादव चुनाव टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारते हैं। वहीं रजौली से प्रकाश वीर को टिकट मिला है। इमामगंज से उदय नारायण चौधरी को टिकट मिला है। अत्तरी विधानसभा सीट से अजय यादव को टिकट दिया है। गोह से भीम यादव का टिकट कंफर्म हो गया है। कुर्था से बागी वर्मा का टिकट कंफर्म हुआ है। ब्रह्मापुर से शंभुनाथ यादव का और संदेश से किरण देवी का टिकट कन्फर्म हुआ है।
देखिए संदेश विधानसभा सीट की बात हम कर रहे हैं, संदेश से किरण देवी को टिकट मिला है। किरण देवी आरजेडी के विधायक रहे अरुण कुमार की पत्नी हैं और फिलहाल अरुण कुमार रेप के मामले में फरार चल रहे हैं, पुलिस छानबीन कर रही है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी कर चुकी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दो आरोपियों के परिवार को टिकट मिला है। पहला नाम राजवल्लभ यादव का है और दूसरा अरुण कुमार का। राजवल्लभ यादव सजा काट रहे हैं, जेल में हैं, वहीं अरुण यादव अब तक फरार चल रहे हैं। आगे चर्चा हम करते हैं धोरिया विधानसभा सीट की। देखिए धोरिया से भूदेव चौधरी को टिकट मिला है, कटोरिया से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को नाम पर मुहर लगा दिया है तेजस्वी यादव ने, और तारापुर से दिव्या प्रकाश को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। आरजेडी के टिकट से दिव्या प्रकाश चुनावी मैदान में होगी। तो तेजस्वी यादव ने 29 नेताओं के नामों पर मुहर लगा दिया है, चुनावी मैदान दिया है, टिकट कंफर्म हो गया है और अब कह दिया है कि आप चुनाव जीत कर जरूर आइएगा। अब देखना होगा कि नीतीश के रणबांकुरों को तेजस्वी और महागठबंधन के महारथी कितना पछाड़ पाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।